हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं हमेशा। और सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आती है, घंटी, जिससे आप लोग क्लिक करना ना भूलें। तो जो भी चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन जाएगी वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कल के वीडियो में कि मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा कि आप उस वीडियो जैसा कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं ऊपर एक आई बटन दे दूंगा, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपको कुछ सबसे पहले मैं आपको उस आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं। आपको कुछ ऐसा शूटिंग करना होगा उस वीडियो को, आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे आपको या तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ये एक नौ ये वीडियो कुछ ऐसा है और आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है वीडियो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो मैं आपको इन सभी चीज़ों का आपको मैं नीचे लिंक दे रखा हूँ इन सभी इफ़ेक्ट्स का, तो आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वो सभी लिंक मैंने अपने गूगल ड्राइव में दे रखा है, तो आपको आसानी होगी डाउनलोड करने में। तो आपको एक नॉर्मल सी वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, जिससे आप जिसके ऊपर आप इसे लगा सके इस इफ़ेक्ट को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एंट्री की, तो उसी टाइम ये मैंने इफ़ेक्ट डाल रखा है। तो इस इफ़ेक्ट का मैंने लिंक नीचे दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट, उसके बाद मैंने क्रोमा की इनेबल किया और उसके हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने उसके हिसाब से इसे एडजस्ट किया कि अच्छा दिखने का। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक बॉल होती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस बॉल को मैंने ये इस बॉल का भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये ग्रीन स्क्रीन बॉल नहीं है फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड इसकी ब्लैक है। तो आप यहाँ पे की कलर में जा कर के ब्लैक कलर चूज़ कर लीजिएगा, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से चाहिए। और इस जगह पर आपको एक तरीका मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साइड में एक की दिख रहा होगा यहाँ पे बना हुआ, उसके ऊपर जाना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप किया है, डॉट डॉट आपको दिख रहा है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जैसे आगे बढ़ना है और ये आपको इसे गोल घुमा देना है, जैसे ऊपर मैंने कर दिया भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक डॉट बन गई। तो वैसे ही आपको पूरी तरह से इसमें आपके हिसाब से कैसी स्पीड चाहिए, आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है डॉट के हिसाब से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और प्रिज्म का वीडियो डाउनलोड किया, जो था उसे मैंने डाउनलोड किया, और फिर उसमें भी मैंने ऐसे ही इस वीडियो को मैंने देख सकते हैं मैंने क्या किया, इसे भी गोल गोल घुमा दिया। और पहले डॉट मैंने आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको एक डॉट यहाँ पे देनी होगी स्टार्ट में और एक लास्ट पोजीशन में जहाँ पे आपको डॉट जाना है। जैसे यहाँ पे ये डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे ये डॉट रुक गया, तो ये एक पाथ पे चलेगा फ्रेंड्स, मींस एक लाइन पे चलेगा और ये रोटेट होगा। तो आप देख सकते हैं एक लाइन मीन्स वहाँ से ये स्टार्ट होके आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से ये बॉल स्टार्ट होगा और यहाँ से ये बॉल स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से वो गोल घूमते घूमते लास्ट पोजीशन पे अपना जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे
फिर उसके बाद मैंने ये प्रिज्म का, ये एक मैंने शील्ड का इफेक्ट, इसका भी मैंने लिंक दे रखा हूँ नीचे, तो इसको मैंने ग्रीन स्क्रीन ये इफेक्ट था तो उसके हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट किया और फिर मैं इसे एक पोजीशन पे ला करके इस प्रिज्म को मैंने यहाँ, आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रिज्म को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, फिर तो ये स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ये प्रिज्म स्टार्ट होगा तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा, देख सकते हैं ये टकरा के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक सीन लगा रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सीन मैंने लगा रखा है, तो इसे भी आप इसका भी मैंने लिंक नीचे दे रखा है तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे छोटा और बड़ा ऑप्शन है, तो मैं अपने हाथ के हिसाब से इसे एडजस्ट करिए, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपको लगे हाथ पूरी तरह से ढका हुआ है, आपको जैसा मन आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक एग्जैक्टली स्टार्ट किया और फिर ये यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ पे मैंने एक फायर इफेक्ट डाला, जिससे जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये एंड हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे उसे बीम जब लगी इस साइड तो ये पीछे गया, तो यहीं पे मैंने ये स्टार्ट किया, लगे कि जैसे ब्लास्ट हुआ है साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा इफेक्ट है, आप देख सकते हैं इसको, मैं पूरी आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो मैं आपको पूरी तरह से वीडियो दिखा देता हूँ, आप बताइएगा। तो ऐसा ही टाइप का मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप कैसे इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक डिटेल आपको बतानी होगी, नहीं तो आपको वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मेरे दो फ्रेंड्स ने मेरी मदद की है, एक फ्रेंड्स का नाम है करण, जो शूटिंग कर रहा था कैमरा को ट्राइपॉड से वहाँ पे खड़ी होके, और दूसरा मेरा दोस्त प्रकाश है जो मेरा अपोजिट साइड में है विलेन के तौर पे, तो वो मेरा दोस्त है, मेरा एक करण जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और एक प्रकाश और एक मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ सेम वीडियोज़ मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आती है घंटी, जिसे आप लोग क्लिक करना ना भूले, तो जो भी चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन जाएगी वो आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।